तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और आज जा रहा हूँ मैं भानियावाला। तो आज फिर से हम कुछ जाके कुछ बढ़िया करेंगे। पिछली बार तो हमने चिकन बनाया था, आज देखते क्या बनाते हैं वहाँ, क्योंकि वही खाने पीने के लिए तो दूर जाना पड़ता ना, तो वही करते हैं। चलो भाई फिलहाल निकल तो गए हैं और सबसे पहले लेनी है कील। कील लेके तब चलना पड़ेगा क्योंकि कील का बहुत काम है। सबसे पहले आगे पड़ेगा हमारी भाई दुकान, वहाँ से कील लेंगे तब निकलेंगे। भाई कील भी होगी, अब सीधा चलते हैं रानी पोखरी। अब कहीं नहीं रुकना, लोग साइड से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि वही भगवान है, कि मरना तो है ही नहीं है। बंदे साइड से इतनी तेज निकलेंगे कि पूछ के मत लो यार, सुर फुर दुर देसी एकदम से। किसी ने सही कहा है भाई, पता नहीं लोग शहरों के शोर में क्या ढूंढते हैं, जबकि जंगल में और अपने पहाड़ों में इतना कुछ देखने को और इतना कुछ मिल जाता है ना। खूबसूरती की तो भाई कमी नहीं है, ये देख ही सकते हो। मतलब रोड के पास भी इतनी खूबसूरत जगह है कि आदमी देखता हुआ रास्ता कब पार कर देता है कुछ नहीं पता। जो कि अभी भी फिलहाल हम चल रहे हैं और सात मोड़ में पहुंचने वाला हूं, तो अभी थोड़ा बहुत ब्लॉग कर सकता हूं, वरना जब सात मोड़ आ जाते फिर ब्लॉग नहीं कर सकते भाई, क्योंकि काफी भीड़ हो जाती है। मतलब काफी भीड़ नहीं काफी डेंजरस रास्ता आ जाता है, मोड़ आते हैं ना तो काफी सारे, तो इसलिए हम तब मैं बिल्कुल सारी चीजें बंद कर देता हूँ। तो अभी भी मैं आराम से चल रहा हूँ, मतलब 40 की स्पीड पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से निकलते हम चले ही जाते हैं। देखो यार रास्ता इतना अमेजिंग होता है ना यहाँ, बहुत ही बढ़िया। मतलब आदमी सोचता है कि कैंपिंग कर लो या रुक जाओ या देखो, हर कोई जो भी जाता है ना आधा पौन घंटा आराम से रुक के ही जाता है। तो फाइनली पहुंच ही गए भाई अपनी साइड पे और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का, देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बहुत दूर आगे फैक्ट्री बनी हुई है। इसका एंट्री गेट जो कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, आज इन लोगों ने मुझे मिस्त्री बना दिया है। अच्छा मैंने एक मिस्त्री भेज दिया, नहीं तो पता नहीं मुझे लेबर भी बना सकते थे फिर। भोपाली जल्दी आ भाग भाग के। मिस्त्री वाले बन गए, अब ठेकेदार मिस्त्री वाले। ये देखो मैं कितना सारा डाल के लिया, एक दो इधर तक का पूरा, मेरी दिहाड़ी होगी सिद्धि, पूरा फैट फैट के बना दे भाई। ओए छपरी मिस्त्री, मैं इतना डाल दूंगा मेरा दिहाड़ी पूरी, तू उतना डालेगा तब तेरी दिहाड़ी पूरी। सीमेंट भी आता हुआ। ओके तो फिलहाल भाई लंच हो गया है, लेबर खाने पीने लग गई है। आज बना नहीं रहे हम यहाँ पे, आज यहाँ पे हम बना नहीं रहे क्योंकि भाई टाइम बहुत लगता है बनाने में और गर्मी सी भी हो रही है। आज बाहर चल के देखते क्या मिलता है यहाँ पहले, तो निकलते हैं अभी। आज मिस्त्री देगा पार्टी, तो आज तो पार्टी में क्या देगा, एक रुपया भी नहीं है। एक रुपया से मतलब नहीं, पैसे तो मैं काट लूंगा तेरे, काट लेना चलो। और इधर का देखो यार कितना मस्त, यार इधर आके ना अच्छा लगता है, बंदा फोन भी नहीं चलाता है, नेटवर्क भी नहीं होते आराम से सो या काम करो बस, और कोई चीज नहीं, फोन चला चला के किसी का दिमाग खराब नहीं होने का। भाई देखो मेरा सुबह से फोन भी फुल है और मैं वीडियो ही बना रहा हूँ और कुछ नहीं। तो कहाँ जा रहा है गाड़ी? गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रहा है एकदम रोड के माफिक, नाक की सूद जा रहा है, नाक की सूद। बढ़िया लग रही है ना जगह, देख कितनी प्यारी लोकेशन है यार, यहाँ आराम से कैंप डाल लो, कैंप और मस्त इंजॉय करो, लेकिन पुलिस वाले भगा देंगे तुम्हें। चमकदार रेस्टोरेंट, कड़ी चावल शुद्ध शाकाहारी, मैं ज्यादातर यही पसंद करता खाना। भाई खाना इतना बेकार था ना, हमने ली चावल की प्लेट, कड़ी चावल में मस्त लगेंगे लेकिन एकदम बेकार, चावल इतने मोटे यार, बहुत ही मोटे चावल थे और बेकार। तो फिलहाल हमने चॉकलेट ली, वो लिए आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि वो तो बेकार ही था एकदम, और फिर चलते हैं अब जा। तो भाई एक तरफ का तो भर गया है अपना, फिलहाल हमने इसके फट्टे भी खोल दिए थे, नहीं बढ़िया निकल रहा है। अब दूसरे का नंबर लगा दिया गया है, भाई ऐसे मैं भी अपना खेतों में जाता था काटने के लिए, घास में पिलानी पड़ती ना गायों के लिए, तो उसके लिए हम बहुत जाते थे शाम के टाइम का, हमारा यही नंबर रहता था। और आजकल हमारे शाम के टाइम का क्या, पूरे दिन का ही हमारा रह गया कंस्ट्रक्शन का काम, ये फट्टे भरे जा रहे हैं इधर की साइड के, और एक दो घंटे का काम है ये हो जाएगा फिर चलते हैं, तब तक इधर ऐसे मजे लेते हैं क्योंकि शाम के टाइम सभी लोग अपने अपने खेत को जाते हैं,
और ये एकदम बढ़िया जगह जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे बता भी रहे कि भाई यहाँ सांप भी रहता है सीढ़ियों के पास, वो भी एक नहीं चार चार। इधर पता नहीं इनके बिल वगैरह हैं, काचली भी पड़ी है सांप की। अभी जब नीचे जाऊँगा तब दिखाऊँगा, बहुत ज़्यादा बोल रहे कि अभी तो नहीं निकलने का, लेकिन हाँ जब आ जाएगी शिवरात्रि उसके बाद बतरे रहते हैं यहाँ पे, घूमते रहते हैं। अभी सर्दी की वजह से कम निकल रहे हैं, मिट्टी में रहते हैं ना। यहीं पर रहे वो सांप का बिल, ये हटाएंगे ना तब दिखेगा भाई, खतरनाक जगह है। और ये इसकी काचली, काचली भी देख रहे हो कितनी बड़ी है। फिलहाल तो सूख के मतलब ऐसी चुट चुट जाएगी, अन्य तो बहुत बड़ी थी। वाह भाई, इन्होंने बाउंड्री कर रखी है, वरना यहाँ से नीचे से इतना बढ़िया लगता। फिलहाल बाउंड्री पे खड़े हैं हम, और यहाँ से खेत स्टार्ट हो गए। उधर तो मैंने उधर खड़ा ही था, उधर से दिख रहा था, और यहाँ से देखो ये रहने के लिए कितना प्यारा बना रखा है इन बंदों ने। रात में जब खेतों की रखवाली के लिए आना पड़ता है ना पानी वानी देने के लिए, तो रात में रुकना पड़ता है इसमें, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है एकदम। और इधर पूरे में खेत ही खेत है चारों तरफ भाई। घमंडपुर देखने में बहुत सुंदर है यार, स्टैम खड़े हैं हम 10 फीट की दीवार में, जो कि भाई मस्त मजा आ रहा है फुल। फिलहाल नीचे ज़्यादा घूम नहीं सकते क्योंकि नीचे सांप बताए जा रहे हैं, तो मेरी तो डर लग रहा है। और ये बीच बीच में जोड़ दे रखे हैं इन्होंने बाउंड्री के, हर जगह जोड़ है, वहाँ भी, उससे आगे भी, उससे आगे भी। सोनू बाउंड्री में जो बीच में जोड़ दे रखा है इसका क्या मतलब है? ऊपर बैठो और पूरे में निगाह रखो, पीछे भी आगे भी। यार खेत बहुत ऊंचे हैं, इससे कम से कम नहीं तो 4 फीट, यहाँ से दीवार यहाँ से 4 फीट दिख रही है। इधर की तरफ से खेत बहुत ऊपर है, इधर से बहुत गहराई में है। देखो ये कितना गहरा है, देखो कितना ऊपर है। हमारे मिस्त्री नई खोज करता हो, ये ऐसे दूर से कन्नी फेंक के मारेगा इसमें गड़ जाएगा, क्या रॉबिन हुड काटेगा, गाड़ना। ओ ये देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो मिस्त्री का, ये देखो फिर से हर बार गाड़ दे रहा है। वाह मिस्त्री वाह। चलो भाई फाइनली फ्री हो गए हैं, अब आ गए हैं रूम पे, बस कुछ खाना पीना बनाएंगे, बहुत तेज भूख लगी है। तो अंकुर भाई आने में भी तो थोड़ा सा टाइम, मैं सोच रहा आज बाहर नहीं, हमारे पास पनीर भी रखा, ब्रेड रखी है, बटर रखा है, सॉस रखी है, तो फिलहाल कमी है तो अंडे की, अंडा लेने चल रहे हैं। और अंडा लाएंगे, आमलेट बनाएंगे, पनीर वनीर सब डाल के एकदम मस्त, फिर खाएंगे आराम से यही मोमोज से बढ़िया इससे हो जाएगा। तो निकल अभी लेके आता है कुछ सामान, तब तक अंकुर भाई भी आ जाएंगे, उनके लिए बनाएंगे। चलो भाई फिलहाल अंडे भी आ गए, अब बनाते हैं अपना थोड़ा फुल्का, क्या बोलते हैं उसको, स्नैक टाइप का आमलेट। चिप्स तो मैं ऐसे खा रहा क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए। तो फिलहाल भाई अपनी आमलेट बन के होगी रेडी, जो जिसमें कि सब कुछ है, एक एक अंडा और सब्जी और ये बटर वटर सब, ये ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं, सॉस वगैरह सब है। फिलहाल इसे खाते हैं और बाकी चीज़ें बाद में करते हैं डिसाइड। फिलहाल भूख लगी थी बहुत तेज भाई, तो मेरा मन कर रहा था खाना बनाने के लिए, तो आज मैंने बना लिया और मस्त कड़क हो रही थी एकदम। कल अंकुर भाई कर रहे हैं सब्जी गरम, कल वाली बची हुई, हम बची कुछ ही सब्जी खा खा के सो जाते हैं आज, क्योंकि आज कोई भी नहीं है, बस हम दोनों हैं, तो हम दोनों तो आपस में ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। फिलहाल हमने खा ली थी अंडे की आमलेट जो कि काफ़ी टेस्टी लगी थी, और साथ में उसके साथ पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक। तो बस अब जो कल का हमारा खाना था उसे फ्राई करेंगे, मस्त खा जाएंगे और सो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए आज वैसे काफ़ी मस्त था भाई अंकुर, आज तो भाई इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही थी ना उधर गाँव में, गांव वाला एरिया पूरा का पूरा बड़ा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल जैसे तुम्हारे यहाँ है ना अंकुर, चारों तरफ हरियाली हरियाली उसी टाइप का था बिल्कुल वहाँ। तो भाई वहाँ तो मस्त आराम से मैं घूम रहा था पूरे दिन, थोड़ी देर वहाँ लंच में सोया भी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क भी नहीं आते, तो मस्त मजा आता है। तो देखते कल कहाँ जाते हैं, आज के लिए इतना ही करता हूँ मैं एडिटिंग, एडिटिंग करने में भी टाइम लगेगा ना।